गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर, आपके इंग्लिश का अध्यापक। आज आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 द डेड माउस का अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे। अरुण अरेंज्ड अ पॉट ऑफ कोल्ड वाटर सेट ऑन द रोड साइड एंड सर्व वाटर एंड पीस टू द रिटर्निंग वुड कटर फ्रॉम द फॉरेस्ट इन एक्सचेंज फ्रॉम फायरवुड। अरुण ने एक ठंडे पानी की मटके का प्रबंध किया और सड़क के किनारे बैठ गया एंड सर्व वाटर और वह पानी और मटर देता जो लकड़हारे जंगल से लौटते और बदले में लकड़ियां लेता। ही सोल्ड द बोर्ड इन द मार्केट एंड परचेस पी, वह लकड़ियों को बाजार में बेचता और उनसे मटर खरीदता। ही फर्दर एफर्ट वाटर एंड पीस टू द वुड कटर रेगुलरली, और उसने लगातार पानी और मटर लकड़हारों को देना आरंभ किया और पैसा बचाने लगा। लेटर ऑन ही वॉज एबल टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस ऑफ फायरवुड ऑफिस ओवन। जल्दी ही उसने पैसे बचाकर अपना एक छोटा सा लकड़ियों का बिजनेस व्यापार आरंभ कर दिया। वंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एक बार वर्षा के मौसम में वैन देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, जब लकड़ियों की शहर में कमी पड़ गई। अरुण सोल्ड हिज स्टॉक ऑन अ हाई प्राइस, अरुण ने अपनी लकड़ियों को ऊंचे दामों में बेच दिया। यहाँ तक का पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और आपको होमवर्क में टिक द करेक्ट ऑप्शंस, कंप्लीट द सेंटेंस करने हैं। देखिए, कविता बिकेम पुअर आफ्टर हर हस्बैंड डेड ऑफ इलनेस, इसमें आएगा प्रोलोग्ड। यू ऑट टू स्टार्ट लाइक योर फादर, इसमें आएगा बिजनेस। यू हैव नॉट सेव्ड एनफ टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन। लेटर ऑन अरुण स्टार्ट स्मॉल बिजनेस ऑफ फायरवुड ऑफिस ओवन। वंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड। फिलिप्स नंबर वन, कविता वॉज अ विडो एंड हर हस्बैंड वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। प्रेम प्रकाश वॉज अ रिच, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा मर्चेंट, हु गेव लॉन्स टू यंग मैन। अरुण सोल्ड द वुड, ब्लैंक्स वाले स्थान पर, इन द मार्केट एंड परचेज पीस बाय एफर्ट एंड स्किल्स, अरुण बिकेम द रिचेस्ट मर्चेंट इन द सिटी। प्रेम प्रकाश गेव अरुण हिज डॉटर इन मैरिज। नेक्स्ट, राइट द ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अरुण वेंट टू द रमेश हाउस फॉल्स, अरुण डिड नॉट पिक अप द माउस फॉल्स। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड इन द सिटी, ट्रू। अरुण सोल्ड द बोर्ड इन द मार्केट परचेज पी, ट्रू। प्रेम प्रकाश गेव हिज डॉटर टू अरुण इन मैरिज, ट्रू। ये सारा वर्क आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।